रॉकेट प्रोपल्शन चाहे तो आप फोर्स के चैप्टर में कर लो, चाहे वर्क पार में कर लो, जहां मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका यही की प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बस रॉकेट कैसे उड़ता है, गैस नीचे जाती है और रॉकेट को ऊपर उड़ाती है। आप बैलून लें, हवा भर दें, हवा निकलेगी, बैलून ऊपर जाएगा। रॉकेट का यही काम है। रॉकेट के इस टॉपिक में, रॉकेट प्रोपल्शन के इस टॉपिक में एक टॉपिक लिखा हुआ है, वेरिएबल मास सिस्टम। ये वेरिएबल मास क्यों लिख रहे हैं? रॉकेट का मास वेरिएबल है? वेरिएबल है। गैस निकल रही है, गैस निकल रही है। कोई कहता है यार रॉकेट का मास तो बहुत बड़ा है, गैस होती कितनी का है, कितनी की गैस है? काफी है। देखो रॉकेट जब उड़ना है तो रास्ते में कोई पेट्रोल पंप है नहीं जहां से वो पेट्रोल भरवाएगा, उसको तो सीधा ही लैंड करना है, कई दिनों तक उसको उड़ना है, तो फ्यूल तो दबा के भर के भेजेंगे। तो आप इस फोटो से अंदाजा लगा लें, ये फ्यूल है और देख रहे हैं ये फ्यूल बर्न होता जा रहा है, सामान कम है फ्यूल ज्यादा है, क्योंकि बहुत दूर तक जाना है उसको, गैस ही गैस इसमें क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए ये जबरदस्त वेरिएबल मास है, क्योंकि मास की वैल्यू इसमें जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता जाएगा कई दिनों तक, उसके बाद इसका जो मास है वो कम होता जाएगा, इसलिए वेरिएबल मास की प्रॉब्लम है। इसके अंदर करना क्या है, रॉकेट प्रोपल्शन मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, बताया मैंने कि जब गैस नीचे निकलेगी तो रॉकेट ऊपर जाएगा। तो अगर ये रॉकेट जब उड़ना था, अभी ज़मीन पे है, इसका मास m नॉट है, वेलोसिटी इसकी v नॉट है, v नॉट जीरो होती है वैसे जब रॉकेट उड़ता है। कोई मुझे बताएगा जब रॉकेट ऊपर उड़ता है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होती है उसकी, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, क्या होती है? -9.8 तो बिल्कुल भी नहीं होती। ये कोई किताब, कोई पेन थोड़ी ना ऊपर फेंक दिया, -9.8 है, इंजन लगा है, माइनस का मतलब रिटार्डेशन। क्या रॉकेट रिटार्ड करता है? बिल्कुल भी नहीं, रॉकेट तो एक्सेलरेट करता है, अंदर इंजन लगा हुआ है, ग्रेविटी को ओवर पावर करते हुए, फ्यूल खर्चते हुए उसकी वेलोसिटी आराम से स्टार्ट, याद है रॉकेट जब निकलता है तो गैसेस छोड़ता है बहुत, फिर धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ती है, एक्सेलरेट करता है, तो रिटार्डेशन तो बिल्कुल भी ना बोले। इसकी एक्सेलरेशन होती है ए, वो कितनी होती है वो अलग बात है, वो फ्यूल पे डिपेंड करती है कितनी तेज रॉकेट उड़ रहा है, पर आप -9.8 तो बिल्कुल ना बोले। -9.8 तब बोलते हैं जब किसी को फ्रीली ऊपर फेंका जाता है तब, ठीक है। तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी ऐसे नहीं जा रहा, तो इसमें ये m नॉट है और v नॉट जीरो होगा, यहाँ पे बता दूँ। तो इसके बाद कुछ देर के बाद आपने देखा रॉकेट की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर v हो गई, v नॉट से बढ़ गई, v नॉट से बढ़ गई, और रॉकेट का मास लेकिन कम हो गया, m नॉट से मास कितना रह गया, m रह गया, m नॉट से m हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ गैस कितनी है, vg, vg वेलोसिटी से गैस जो है वो नीचे आती जा रही है किसी भी टाइम पे। अब इसमें अगले इंस्टेंट पे आपने क्या देखा कि जो रॉकेट का मास है थोड़ा सा और कम हो गया, कितना हो गया, m माइनस dm, लेकिन रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ गई क्योंकि गैस बर्न हो गई, फ्यूल बर्न हो गया, वेलोसिटी कितनी होगी, v+dv। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो रॉकेट का मास कम होता जा रहा है क्योंकि गैस कम होती जा रही है और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ये पॉइंट क्लियर है। अब इसमें ये गिवन है कि प्रोपल्शन ऑफ द रॉकेट एग्जांपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन इन रॉकेट, गैसेज एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आर प्रोड्यूस बाय द कंबस्टन ऑफ फ्यूल, दे एस्केप विद अ लार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रू द नोजल। बहुत तेज नीचे गैस निकलती है तो रॉकेट ऊपर जाता है क्योंकि वो बैकवर्ड मोमेंटम जनरेट करती है और रॉकेट को फॉरवर्ड मोमेंटम मिल जाता है और रॉकेट ऊपर उड़ना स्टार्ट कर देता है। तो इसके अंदर एट टाइम t इक्वल टू जीरो मास रॉकेट का इंक्लूडिंग फ्यूल m नॉट है, वेलोसिटी v नॉट है इनिशियल, कुछ टाइम t पे मास m हो गया, वेलोसिटी v हो गई, dm स्मॉल डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट है क्योंकि, या फिर एग्जॉस्ट गैस जो एस्केप हो गई क्योंकि गैस बर्न हो गई dm, तो रॉकेट का मास dm कम हो गया, dv इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट है। vg का मतलब वेलोसिटी ऑफ द गैस है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है गैस की। अब लगाने जा रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली रॉकेट का किसी भी इंस्टेंट पर मास क्या है m और वेलोसिटी क्या है v। अगले इंस्टेंट पर मास क्या हो जाएगा m माइनस dm और वेलोसिटी क्या हो जाएगी v+dv। m1 v1 m2 v2 लग रहा है ये ठीक? तो बेसिकली क्या हो रहा है, इस रॉकेट में से dm मास नीचे निकल गया, dm निकलता जा रहा है
और m माइनस डी एम ऊपर जाता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, m और v में m m के अंदर डी एम भी इंक्लूडेड है। अब देख रहे हैं इस m के अंदर डी एम भी इंक्लूडेड है। अगले इंस्टेंट पर क्या हुआ, m का मास घट गया m माइनस डी एम और वेलोसिटी बढ़ गई, और जो डी एम मास है वो कहाँ गया, वो नीचे गया और वी जी गैस के साथ नीचे गया। डी एम किसकी किसका मास है, गैस का मास है, जिसकी वेलोसिटी वी जी है। नेगेटिव साइन का मतलब इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। रॉकेट कहाँ उड़ रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए रॉकेट का मोमेंटम पॉजिटिव, रॉकेट का नया मोमेंटम भी पॉजिटिव। ये पुराना मोमेंटम, ये नया मोमेंटम, और ये गैस का मोमेंटम, क्योंकि रॉकेट और गैस दोनों एक पार्ट है। तो ये आपने क्या लगाया इसमें, मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी इंस्टेंट पर रॉकेट का मास एम है और वेलोसिटी वी है, अगले इंस्टेंट पर जो मोमेंटम कंजर्व होगा वो गैस को नीचे फेंकेगा या गैस को बर्न करेगा डी एम वेलोसिटी और माइनस वी जी, और खुद वो ऊपर जाएगा एम माइनस डी एम मास के साथ वी प्लस पीवी वेलोसिटी के साथ। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ओपन कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो आपके पास चार टर्म आ जाएंगी। तो ये मान लो आपने पूरा एक्सपैंड कर लिया और ये पूरा रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट में एम वी से एम वी क्या हो जाएगा, कैंसल, और डी एम और डी वी बोथ आर वेरी स्मॉल, कैन बी निग्लेक्टेड। दो डी वी और डी एम लेते नहीं हम, इनको निग्लेक्ट कर दो, इसे निग्लेक्ट कर दो, इसे कैंसिल कर दो, ये टर्म बची हुई टर्म आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा, एम डी वी बच जाएगा, इधर से एम इंटू डी वी बचेगा, इधर से डी एम कॉमन, तो ऐसा कुछ बचेगा। ठीक, तो सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ गई। अब इसमें यू का मतलब है, मान लो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। अब इम्पॉर्टेंट, मैंने पहले गैस की वेलोसिटी क्या ली थी, वी जी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैं गैस की वेलोसिटी क्या ले रहा हूँ, यू, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ गैस है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी है। और रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। तो यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस कहां पर है, नीचे माइनस वी जी, और माइनस रॉकेट कहां जा रहा है, ऊपर विद द वेलोसिटी ऑफ वी। तो ये यू इज वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस में माइनस वी जी, माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो ये वी माइनस कॉमन आ गया। तो वी प्लस वी जी की वैल्यू माइनस यू आ गई। इस वी प्लस वी जी को उठा के यहां पुट करेंगे और आपके पास ये इक्वेशन सिंपल होके ये बन जाएगी। अगर आपके एग्जाम में ये पेपर में आ गया, स्कूल में आएगा, मुझे मालूम नहीं कंपटीशन में, आई डाउट आएगा कि नहीं आएगा, तो आप जो मैंने अभी आपको समझाया वो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स है यार, कैसे लिखेंगे। आप ये लिखेंगे, अपनी डेरिवेशन यहां से स्टार्ट करेंगे, आप क्यों पहले गैस की वेलोसिटी लेंगे एब्सोल्यूट फिर रिलेटिव लेंगे, आप सीधा ही बोलें कि मैंने गैस की रिलेटिव वेलोसिटी ली है, यूं बात ही खत्म हो गई। तो सीधा देखें, आप अपना क्वेश्चन यहां से करेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे रॉकेट के लिए और ये इक्वेशन लिखेंगे गैस के लिए। देखो कैसे, रॉकेट का मास m और रॉकेट की वेलोसिटी dv इंक्रीज हो गई, माइनस इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2, ताकि नेट मोमेंटम रिमेन्स जीरो। तो ये वेलोसिटी गैस की है, रिलेटिव वेलोसिटी u, और dm मास ऑफ गैस है। हम करते नहीं, जैसे गोली चल गई और गन पीछे आ गई, तो गोली के लिए M1V1, गन के लिए M2V2, यही तो हो रहा है। इसमें बुलेट जो है वो रॉकेट है और जो गन है वो गैस है, तो M1V1 M2V2, बात ही खत्म करो, एक ही लाइन में काम खत्म, कुछ करना ही नहीं है। वो इसलिए है कि आप किताब कहीं पढ़ लो और मुझे कहो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ, तो कम से कम पता तो होगी क्या कुछ लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन आ गई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, डी वी आ गया, आपको पेपर में आ सकता है अगर आया स्कूल में, कि आप वेलोसिटी निकालने किसी भी इंस्टेंट पर रॉकेट की हवा में क्या होगी, तो आप इसे इंटीग्रेट कर देना। जब रॉकेट चला था तो वेलोसिटी वी नॉट थी और फाइनल क्या थी, वी, किसी भी इंस्टेंट पर वी। जब चला था रॉकेट तो मास की लिमिट क्या है, एम नॉट था, और किसी भी इंस्टेंट पर मास क्या हो चुका है, एम। तो यहां से लिमिट लगाएं, 1 dv की इंटीग्रेशन वी, 1 m dm की लॉग एम, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म,
इस एम नॉट को ऊपर ले जाएं, एम को नीचे ले आएं, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा कर दिया, और इस वी नॉट को राइट पे ले जाएं तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आती है। एंड में स्पेशल केस लिख दें कि रॉकेट इनिशियल रेस्ट पे था तो वी नॉट की वैल्यू जीरो थी, तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट जब वो कहीं भी हवा में होगा। रॉकेट के ऊपर अगर हो सकता है कि अगर कोई ऑप्शन आ जाए मार्क करने को कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो रॉकेट की, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान से देख लें, यू लॉग ऑफ एम नॉट बाई एम इसका फॉर्मूला है। ठीक है, आने का चांस मैं कह नहीं सकता, स्कूल के टीचर को व्हाट्सएप करके पूछ लेना करना है कि नहीं करना, करना है तो कर जाना, वो बोलेगा नहीं तो छोड़ देना। कॉम्पिटिशन में आने का स्कोप बहुत कम है इसका, बहुत ही रेयर, मेरे को नहीं लगता कि कॉम्पिटिशन के अंदर मैंने इसको कभी आता देखा है। कोई दिख जाए तो फिर ठीक है, बात अलग है, फिर टॉपिक तो हुआ ही हुआ है। ठीक है, और एक और टॉपिक आता है इसमें रॉकेट प्रोपल्शन में, रॉकेट पे फोर्स क्या लगी ये बताओ, थ्रस्ट ऑन दी रॉकेट, थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स। ये इक्वेशन को फिर से लिखो, ये सेम इक्वेशन को फिर से लिखो, ये लिख लिया एम डी वी माइनस यू डी एम, डी टी डी टी से डिवाइड कर दो, डी वी बाई डी टी क्या होता है ए, एम इंटू ए क्या होती है फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू आ गई माइनस यू डी एम बाई डी टी। और अगर आपको याद हो माइनस यू डी एम बाई डी टी हमने ये किया हुआ है, बोलो कब ना, वो तो डी यू बाई डी एक्स होता है। ये मैंने किस एग्जाम्पल में कराया था, आप ऐसा लगाया करें, जब मैंने कहा था फोर्थ चैप्टर में जब बैलून में से गैस निकले या पाइप में से पानी निकले जो कांस्टेंट वेलोसिटी, उन क्वेश्चन में मास चेंज होता है टाइम के साथ, यू इंटू डी एम बाई डी टी, ये वही कॉन्सेप्ट है, इसे बोलते हैं वेरिएबल मास, क्योंकि मास चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये कॉन्सेप्ट है थ्रस्ट में। ठीक है,